अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, व्हाट्सएप पटकट शो में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ शाहिद कुरैशी। नाजरीन, पिछले दो तीन दिन से हम आपको बता रहे हैं औकाफी जायदादों की किस तरह से लापरवाही से वक्फ बोर्ड के हाथ से भी निकल जा रहे हैं। वक्फ बोर्ड के अहदेदार, बोर्ड के चेयरमैन, बोर्ड के मेंबरान तक कुछ नहीं कर सक रहे हैं इन जायदादों को बचाने के लिए। मुझे एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिली है अपने सोर्स के जरिए कि वक्फ बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद सलीम साहब को आला वज़रा की तरफ से कुछ हिदायत मिली है। ऐसा कहा जा रहा है, हो सकता है कुछ हिदायत मिली है कि आवाम का माइंड डाइवर्ट करते रहो, पुराने गैर आबाद मस्जिद जो डिस्ट्रिक्टों में शहर के अतराफ है उन्हें आबाद करते रहो, पब्लिक का माइंड उधर डाइवर्ट करते रहो, ताकि पब्लिक सेक्रेटेरिएट के मस्जिदों के संगे बुनियाद के बारे में नहीं पूछे। फिर क्या है नाजरे, बेगम बाजार में बीच चौराहे पर शहर के बीचों बीच पब्लिक टॉयलेट्स बना रहे वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर, उसे नहीं रोक सक रहे। कब्रस्ताना कब्जे हो जा रहे, उसे नहीं रोक सक रहे। लड़ाई झगड़े मारपीट जीएचएमसी के अहदेदार भारी पड़ जा रहे वक्फ बोर्ड पर, कुछ नहीं कर सक रहे। और शहर के अतराफ के गैर आबाद 40 साल से गैर आबाद मस्जिदों को आबाद कर दिए बल्कि नमाज पढ़ रहे हैं। अरे लोग तो चेयरमैन के इंतज़ार में है कि सेक्रेटेरिएट के मस्जिदों की कब संगे बुनियाद पड़ेगी और चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद सलीम साहब मौलाना बनकर पेशमाम बनकर कब इमामत करेंगे, कब नमाज पढ़ाएंगे। मुझे तो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिली है सोर्सेज के जरिए, शायद गलत भी हो सकती है, मैं कोई ठोस वो नहीं कह रहा हूँ, कि सलीम साहब को हिदायत मिल गई है बड़े लोगों की तरफ से कि आवाम का माइंड डाइवर्ट करो ताकि सेक्रेटेरिएट के मस्जिदों की तरफ दिमाग ना जाए। अब मेरा तो ये कहना है, अब कहाँ तक सही है गलत है मैं नहीं बोल सकता हूँ, आने वाला वक्त ही बताएगा। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।